हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का नंबर्स एपिसोड में केस बेक टिप्स के एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां आपको मिलता है भारी मात्रा में कैशबैक। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप कैसे क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करते वक्त आपको एक फ्लैट नहीं अमाउंट नहीं बताऊंगा आपको एक फ्लैट कैशबैक आप कमा सकते हो। तो क्या है ऑफर डिटेल्स, ऑफर्स के टर्म्स एंड कंडीशन और पूरा प्रोसेस डिटेल्स पे एक्सप्लेन करूंगा। आपको दिखाऊंगा कैसे आप क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करने जाओगे और आपको एक अच्छा सा कैशबैक मिलेगा। जी हाँ, और ऑफर सीमित समय के लिए। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि ऑफर वैलिडिटी जानना भी जरूरी है। तो सब कुछ इस वीडियो में डिटेल्स पे एक्सप्लेन करूंगा, लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगा ताकि आपको भी वो कैशबैक अमाउंट मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल्स के बारे में अगर बात करें तो आपको ये जो ऑफर है अमेज़न पे यूपीआई के थ्रू मिलने वाला है। जी हाँ, अमेज़न पे यूपीआई पे आप जाके जैसे आप क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करना होगा, जैसे आप क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करते हो आपको 100 रुपीज फ्लैट कैशबैक मिलता है। और ये जो बिल पेमेंट करने जाओगे ना, उसके लिए आपको कोई बड़ा अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा, मिनिमम 1000 रुपीज। आप उससे ज्यादा भी पे कर सकते हो। मान लो आपका 10,000 का क्रेडिट कार्ड का बिल बना हुआ है, आपका 15,000 का बिल बना हुआ है या फिर 5,000 का बिल बना है, बट मिनिमम वैल्यू जो मिनिमम 1000 रुपीज अगर पे करते हो फिर भी आपको फ्लैट 100 रुपीज कैशबैक मिलता है। 100 रुपीज फ्लैट, नो अप टू, ठीक है। मैंने भी कमाया, आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कैसे मुझे 100 रुपीज कैशबैक मिले, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको 100 रुपीज फ्लैट कैशबैक कमाना है तो आपको अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना पड़ेगा। मिनिमम वैल्यू 1000 रुपीज रखा है, ठीक है। और ऑफर वैलिडिटी की अगर बात करें तो 31 दिसंबर रात तक ये ऑफर अवेलेबल है, मतलब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है फ्लैट 100 रुपीज कैशबैक पाने के लिए, ठीक है। और जब भी आप पेमेंट मेथड पे जाओगे ना, तो पेमेंट मेथड पे अमेज़न पे यूपीआई चूज करना, अमेज़न पे यूपीआई को मैन्युअली टाइप मत करना, डायरेक्टली चूज करना और उसके थ्रू पेमेंट करना। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो 24 आवर्स के अंदर आपको कैशबैक मिल जाएगा। 24 आवर्स दिखाता है, बट आपको 5-6 घंटे के अंदर कैशबैक जो है आपके अमेज़न वाले पे क्रेडिट हो जाते हैं। तो ये ऑफर डिटेल्स। दोस्तों, अब बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में। तो ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है, ठीक है। इस ऑफर पीरियड में आप किसी भी क्रेडिट कार्ड के बिल को पेमेंट कर सकते हो। जी हाँ, कोई भी क्रेडिट कार्ड, SBI हो गया, HDFC हो गया, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड का जो बिल है आप पेमेंट कर सकते हो। तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है और 31 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है। और इस पे आपको कैशबैक कैसे मिलेगा, जैसे आपका जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा उसके बाद ही आपको कैशबैक मिलेगा। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स इसमें रखा है, अमेज़न पे यूपीआई के थ्रू करना है। अगर आप किसी दूसरे मेथड पे यूज करते हो तो आपको नहीं मिलने वाला। ये जो ऑफर है ना, ये फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए, नहीं तो आपका क्रेडिट कार्ड बिल आपने पहले ही पेमेंट कर दिया होगा, फिर आपने सेकंड टाइम अमेज़न पे यूपीआई चूज करोगे, पेमेंट करोगे, फिर बोलोगे मुझे ऑफर का फायदा नहीं होगा। नहीं, फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए ये ऑफर का वैलिडिटी है, फर्स्ट टाइम यूजर ही इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप सेकंड टाइम थर्ड टाइम पे कर रहे हो अमेज़न पे यूपीआई के थ्रू क्रेडिट कार्ड बिल, तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। कमेंट में मत बोलना कि हमने पेमेंट किया हमें नहीं मिलेगा, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए, ठीक है। और कैशबैक जो है आपके अमेज़न पे यूपीआई वॉलेट पे 24 आवर्स के अंदर क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये नॉर्मल सा टर्म्स एंड कंडीशन का है, कुछ हेवी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। अब दोस्तों, बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। हमने ऑफर डिटेल्स के बारे में बात कर लिया, हमने टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बात कर लिया, लेकिन कैसे ये पूरा प्रोसेस काम करता है, कैसे आपको ट्रांजैक्शन कंप्लीट से लेकर कैशबैक पाने तक का पूरा सफर कैसे होता है, मैं आपको डिटेल्स पे क्लियरली समझा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अमेज़न पे यूपीआई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अमेज़न पे यूपीआई के ऊपर क्लिक करते हो, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। आपको राइट साइड स्क्रीन पे भी आप ध्यान रखना, स्क्रीन पे मैं सारा प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है और क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्लिक करते हो, आपको ऊपर ऑफर शो करेगा, ठीक है, फ्लैट 100 रुपीज बैक ऑन योर फर्स्ट क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट और 31 दिसंबर शो कर रहा होगा, ठीक है। तो आपको वहां पे नीचे आपके जो कार्ड्स दिखा रहे होंगे, ठीक है, मेरे ऑलरेडी कार्ड वहां पे अवेलेबल है इसलिए मेरा कार्ड दिखा रहा है, लेकिन अगर आपका कार्ड वहां पे ऐड नहीं है तो मैनेज के ऊपर क्लिक करके आप अपना कार्ड का डिटेल्स डाल सकते हो, ठीक है। तो वहां पे आपका, मैं क्या करूंगा, मेरा कार्ड ऑलरेडी शो कर रहा है, मैं पे बिल के ऊपर क्लिक करूंगा। तो जैसे मैं पे बिल के ऊपर क्लिक करता हूं, ये रिडायरेक्ट होकर दूसरे पेज पे चला जाएगा। उस पे मेरे को जो ऑफर शो कर रहा होगा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दिखा रहा होगा नेम, बैंक और जो क्रेडिट कार्ड का नंबर, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट नंबर शो कर रहे होंगे, आपको स्टार्टिंग के नंबर्स उस पर एंटर करने हैं। तो जैसे मैं क्रेडिट कार्ड के स्टार्टिंग के नंबर एंटर करता हूं, मेरा नाम दिखा देता है, मेरा क्रेडिट कार्ड रुपए है, भेजा है, जो भी है दिखा देता है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखा देता है। उसके बाद मुझे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूं, फिर से ये रीडायरेक्ट होकर दूसरे पेज पे चला जाता है। अब यहां पे मुझे अमाउंट फिल करना है, ठीक है। तो मेरा जो बिलिंग अमाउंट बना था 1972 बना था, जी हां, 1972 बने थे। तो मैं अमाउंट डाल देता हूं, अमाउंट डालने के बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब यहाँ पे पेमेंट गेटवे के पास जाता है। अब इस प्रोसेस को ध्यान से देखना स्क्रीन पे, ठीक है। तो इस पे क्या है, तो बहुत सारे पेमेंट मेथड आएंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई मेथड भी आएंगे, लेकिन आपको अमेज़न पे यूपीआई ही सिलेक्ट करना है। ध्यान से सुनो, आपको अमेज़न पे यूपीआई ही सिलेक्ट करना है,
अगर आप गूगल पे फोन पे के थ्रू पेमेंट कर दोगे, अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दोगे तो आपको कैशबैक नहीं मिलेंगे। फिर मत बोलना कि सर हमने तो पेमेंट कर दिया कैशबैक नहीं मिले, नहीं अमेज़न पे यूपीआई ही सिलेक्ट करना है। तो स्क्रीन पे देख रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे अमेज़न पे यूपीआई सिलेक्ट किया और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दिया। तो फिर जैसे पे नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे अपना जो 4 डिजिट यूपीआई पिन डालना है। 4 डिजिट यूपीआई पिन डालने के बाद देखो आप ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया। ट्रांजेक्शन तो सक्सेसफुल हो गया लेकिन क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट में थोड़ा टाइम लगता है फेच होने में, ठीक है। तो कुछ कपल ऑफ आवर्स के बाद मेरे जो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गए थे, कपल ऑफ आवर्स के बाद मेरे जो क्रेडिट कार्ड में वो जो अमाउंट है ऑटोमेटिकली फेच हो जाता है और कैशबैक जो है मेरे अमेज़न पे वॉलेट पे आ जाता है। तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा 100 रुपीज कैशबैक मेरे अमेज़न पे वॉलेट पे आ चुके हैं और कुछ रिवर्स स्क्रैच कार्ड मिलते हैं। उस स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करोगे तो कुछ स्कैन वगैरह वगैरह वो सारे ऑफर्स भी आ जाते हैं। तो फ्लैट 100 रुपीज कैशबैक मेरे अमेज़न पे वॉलेट पे आ चुका है सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करके। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे आप सिर्फ अपना क्रेडिट कार्ड का बिल भी पेमेंट करोगे और उसमें कैशबैक भी कमाओगे, है ना कमाल की बात। और मैंने पूरा प्रोसेस इजीली आपको समझाया, ऑफर डिटेल्स टर्म्स एंड कंडीशन और पूरा प्रोसेस और कैशबैक भी आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाया, ठीक है। स्क्रीन में आपको सब कुछ देखने को मिल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपको कैशबैक मिला या नहीं। और कोई भी प्रॉब्लम बिंदास कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और चैनल में पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको लोकल गुरुजी यूट्यूब चैनल में मिलेगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलता हूं अगले वीडियो में एक जबरदस्त कंटेंट के साथ। धन्यवाद।